तुर्की की हेकड़ी के चलते अब सऊदी अरब ने तुर्की के साथ अपने रिश्तों को 100% खत्म करने के संकेत दिए हैं। अरब दुनिया के बेताज बादशाह सऊदी अरब की पहल के बाद उम्मीद है कि बाकी के अरब देश भी तुर्की पर एक के बाद एक आर्थिक स्ट्राइक कर सकते हैं। सऊदी अरब के हालिया फैसले के बाद तुर्की के निर्यातकों पर बेहद गहरा असर पड़ा है, जिसके कारण तुर्की की पहले से बेहाल पड़ी अर्थव्यवस्था को और बड़ा झटका लगना तय है। गल्फ न्यूज के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने हाल ही में ट्विटर पर किए गए पोस्ट में तुर्की की हर वस्तु के बहिष्कार की मांग की है, चाहे वो आयात हो, निवेश हो या फिर पर्यटन ही क्यों ना हो। और साथ ही में ये भी कहा कि ऐसा करना हर सऊदी नागरिक का कर्तव्य है। यह मांग शायद इसलिए भी उठी है क्योंकि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेसेप तैयप एर्दोगन ने यह आरोप लगाया है कि खाड़ी समूह के कुछ देश तुर्की को निशाना बनाकर उसे बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। अब जब सऊदी ने पहल की है तो अरब जगत का इस अभियान में शामिल ना होने का सवाल ही नहीं उठता। आज भी इस्लामिक जगत में सऊदी अरब को निर्विरोध नेता माना जाता है। सऊदी अरब के इसी वर्चस्व को तुर्की ने अपने निर्णयों के जरिए चुनौती दी थी, जो सऊदी अरब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए जब अर्मेनिया अजरबैजान विवाद में तुर्की के हस्तक्षेप के कारण यह देश पूरी दुनिया का दुश्मन बन गया है, तो ऐसे में सऊदी अरब ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए उसके खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है। परंतु तुर्की और सऊदी अरब में यह तनातनी आखिर किस बात को लेकर है? दरअसल 2017 में जब सऊदी अरब और उसके समर्थकों ने कतर पर प्रतिबंधों का ऐलान किया था, तब एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की ने कतर की खूब मदद की थी, जिसे सऊदी काफी क्रोधित हुआ था। इसके बाद चाहे जमाल खशोगजी के गायब होने पर सऊदी का घेरना हो या फिर मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा देना हो, तुर्की ने सऊदी अरब के इस्लामिक जगत में वर्चस्व को चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इतना ही नहीं, तुर्की ने सऊदी अरब के वर्चस्व को खत्म करने के लिए हर प्रकार के आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया है, जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी सरदर्द बनता जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब द्वारा तुर्की के संपूर्ण बहिष्कार का निर्णय यूं ही नहीं लिया गया, बल्कि इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग की जा रही थी। इसी विषय पर कुछ दिन पहले TFI पोस्ट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके एक अंश के अनुसार सऊदी प्रशासन ने स्थानीय उद्योगों पर दबाव डाला है कि वे तुर्की से कोई भी उत्पाद ना खरीदें। तुर्की अखबार दुनिया के अनुसार सऊदी सरकार ने स्वयं इस निर्णय को अपनी स्वीकृति दी है और जो भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगेगा। परंतु बात अब यहीं तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को अब से तुर्की की ओर यात्रा करने से भी मना कर दिया है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि तुर्की अब पहले जैसा नहीं रहा। इससे पहले भी सऊदी अरब ने अपने नागरिकों के तुर्की जाने पर काफी पाबंदियां लगाई थी, जिसके कारण तुर्की आने वाले सऊदी के पर्यटकों में करीब 17% की गिरावट पिछले वर्ष दर्ज हुई थी। ऐसे में सऊदी अरब द्वारा तुर्की का संपूर्ण बहिष्कार अरब जगत के लिए आह्वान है कि वे भी सऊदी अरब के अभियान में शामिल होकर तुर्की को उसकी हेकड़ी के लिए सबक सिखा सके। इस समय तुर्की के अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है, लेकिन ऐसा लगता है कि सऊदी अरब ठीक वैसे ही तुर्की को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है, जैसे निरंतर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाई है।